निर्माण व्यवस्था संभव नहीं। एक उदाहरण से बताता हूं, अंग्रेजों ने भारतवासियों पर अत्याचार करने का एक कानून बनाया जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। नाम था नहीं कह रहा हूं, नाम है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने तो बनाया था 1860 में, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की आजादी के 62 साल के बाद भी ये चल रहा है, इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून बनाया गया 1860 में। 1860 कब आया? 1857 के बाद। और 1857 में क्या हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। इस देश में नाना साहब पेशवा, तांतिया टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला जैसे क्रांतिवीरों की मदद से सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी। और उस बगावत में एक बात जो हम जानते नहीं है वो ये कि इस बगावत में 3 महीने के अंदर अंग्रेज पूरी तरह से हार गए थे, परास्त हो गए थे। बगावत शुरू हुई थी 10 मई 1857 से और शुरुआत हुई थी मेरठ से। आप सभी जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शहर है मेरठ। वहां के कुछ क्रांतिवीरों ने शाम को 5 बजे 10 मई 1857 को अंग्रेजों के बंगले जला दिए थे, घर जला दिए। और उन घरों में रहने वाले अंग्रेज जब घर से निकलकर भागे तो मेरठ शहर के नागरिकों ने उनके गर्दन काट दिए थे, सिर काट दिए थे, चाकू घोंप दिया था, हसीये से गर्दन काट दिया था। और एक ही रात में मेरठ में 1285 अंग्रेजों का कत्लेआम हो गया था। एक भी अंग्रेज मेरठ में जिंदा नहीं बचा था। ऐसे शुरू हुई थी क्रांति। अगले दिन ये क्रांति दिल्ली पहुंच गई, फिर उसके अगले दिन बरेली पहुंच गई, फिर उसके अगले दिन शाहजहांपुर पहुंच गई और लगभग महीने भर के अंदर 350 भारत के स्थान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए। 3,64,000 से ज्यादा अंग्रेजों को भारतवासियों ने गाजर मूली की तरह से काट दिया था। आपके मन में सवाल आएगा कि भारतवासी तो अहिंसक हैं, भारतवासी तो दया प्रेम करुणा की बात करने वाले हैं, उनके मन में इतनी क्रूरता और इतना पराक्रम कहां से पैदा हो गया कि अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह से काट दिया। हमारे यहां एक बात कही जाती है, वो ये कि पानी जब सिर से गुजर जाता है तो सारे लोक लाज छोड़ देने पड़ते। हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ था। पानी हमारे सिर से गुजर गया था तो भारत के लोगों ने अपनी लोक लाज और परंपरा को ताक पर उठाकर रख दिया था। पानी सिर से कैसे गुजर गया था? 100 साल तक अंग्रेजों का अत्याचार सहन किया भारतवासियों ने, 1757 से 1857 तक। उस अत्याचार में सबसे बड़ा अत्याचार था इस देश की लूट। इतना लूटा था अंग्रेजों ने 100 साल में, दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक ही उदाहरण से बात कहता हूं, 1757 में एक अंग्रेज लुटेरा इस देश में आया। पंखा बंद कर दीजिए और आप शांति से बैठ जाइए, आना जाना मत करिए। 1757 में इस देश में एक अंग्रेज लुटेरा आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ बन के आया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको लेटर ऑफ अथॉरिटी दिया और उसको कहा कि तुम भारत में जाओ और जिस जिस स्थान पर संभव है ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनाओ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा कि अगर भारत में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनानी है तो मुझे सैनिक चाहिए और मुझे लाखों की संख्या में सैनिक चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि लाखों की संख्या में तो सैनिक हम दे नहीं सकते क्योंकि इस समय हमारे पास ज्यादा सैनिक नहीं है। क्यों? उसी समय इंग्लैंड फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और फ्रांसीसी युद्ध में अंग्रेजों की बहुत बड़ी फौज लगी हुई थी, तो ज्यादा सैनिक उनके पास थे नहीं। 350 सैनिकों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता पहुंचा और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल में स्थापित करने का सपना देखा। अब आप सोचिए, बंगाल में जहां भारत का राजा था सिराजुद्दौला, जिसके पास सैनिकों की, पैदल सैनिकों की संख्या 18,000 थी, जिसके पास हाथी घोड़े जो सैनिक वाले होते हैं वो 7,500-8,000 से ज्यादा थे और जिसके पास तील तलवार भाले बंदूक तोप आदि आदि अंग्रेजों से कई गुना ज्यादा थी, उस बंगाल के ऊपर 350 अंग्रेजों का सेनापति सपना देख रहा है कब्जा करने का, तो वो तो संभव नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव को मालूम था कि यहां तो मैं सफल हो नहीं पाऊंगा, तो क्या करना चाहिए? उसने एक युक्ति निकाली, एक चालाकी खेली, बस उसी चालाकी में हम पिट गए और अंग्रेजों के गुलाम हो गए। वो चालाकी क्या थी? रॉबर्ट क्लाइव को मालूम था आमने सामने लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, 20 मिनट में युद्ध खत्म हो जाएगा, 18,000 की सेना 350 सैनिकों को खत्म कर देगी।
तो उसने युद्ध ना लड़के एक दूसरा काम किया। उसने अपना एक दूत सिराजुद्दौला की सेना में भेजा ये पता लगाने के लिए कि जानकारी करो कि कौन भारत से गद्दारी कर सकता है, कौन भारत को धोखा दे सकता है, किसके दिल में भारत से धोखा देने की, गद्दारी करने की तीव्र भावना है, ये पता लगाओ। और उसके दूत पहुंच गए, सिराजुद्दौला की सेना में एक आदमी मिल गया जिसका नाम था मीर जाफर। और मीर जाफर ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसके मन में पैसे को लेकर, कुर्सी को लेकर तीव्र लालसा थी, जैसी आजकल हमारे नेताओं में है वैसी ही थी। मीर जाफर जो था बंगाल का रक्षा मंत्री था, डिफेंस मिनिस्टर था, लेकिन सपना देखता था प्रधानमंत्री बनने का। अंग्रेजों ने उसको ऑफर कर दिया कि तुमको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, तुम हमारी मदद करो। मीर जाफर ने पूछा क्या मदद करें, तो मीर जाफर को कहा गया बस इतनी मदद करो कि अपनी सेना के सारे सैनिकों को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करो, युद्ध मत लड़ो, आत्मसमर्पण करो, और तुमने अगर आत्मसमर्पण करा दिया तो तुमको बंगाल का राजा बनना देंगे, प्रधानमंत्री पद मिल जाएगा, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के लालच में, प्रधानमंत्री पद के लालच में मीर जाफर बिक गया। उसने रॉबर्ट क्लाइव से समझौता कर लिया, समझौते में यह लिख दिया गया कि युद्ध नहीं होगा, आत्मसमर्पण होगा। और 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में मीर जाफर की गद्दारी के चलते भारत के 18,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने बिना लड़े भारत के 18,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और उन बंदी बनाए सैनिकों की बाद में एक एक करके हत्या कर दी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का युद्ध तथाकथित रूप से जीत लिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने विजय जुलूस निकाला, कलकत्ता में प्लासी है कलकत्ता के नजदीक, वहां से लेकर मुर्शिदाबाद तक वो घोड़े पर चढ़कर आगे बैठता था और पीछे पीछे उसके 350 सैनिक चलते थे, उसके पीछे मीर जाफर होता था और उसके पीछे मीर जाफर के सैनिक चलते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि जब मैं कलकत्ता से मुर्शिदाबाद गया, 14 दिन और 14 रात में घोड़े पर चला, सड़क के दोनों तरफ हिंदुस्तानियों ने लाखों की संख्या में मेरा जुलूस देखा और उन हिंदुस्तानियों ने तालियां बजाई, अगर उन एक एक हिंदुस्तानी ने मुझे पत्थर उठाकर मार दिया होता तो भारत का इतिहास 1757 में ही बदल गया होता। हमारे लिए अफसोस इसी बात का है कि हम अंग्रेजों के विजय जुलूस पर तालियां बजाते रहे, उनके लिए जय जयकार करते रहे, एक एक अंग्रेज को उठाकर एक एक पत्थर मारा होता तो 350 अंग्रेज तो 1757 में ही मर गए होते, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कभी स्थापित नहीं हुआ होता, 7,32,781 शहीदों को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, 4.5 करोड़ हिंदुस्तानियों का परोक्ष बलिदान नहीं होता अगर एक मीर जाफर नहीं होता। और दुख और दुर्भाग्य इस देश का यह है कि 1757 में एक मीर जाफर था, अब 2009 में तो मीर जाफर ही मीर जाफर हैं, जो कुर्सी और पैसे के लिए इस देश के किसी भी स्तर का समझौता कर रहे हैं, देश की आत्मा को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, फिर से इस देश को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इतिहास एक बात कहता है, वर्तमान हमारा उसका दूसरा चित्र हमें दिखाता है। हमको हमारे वर्तमान में चिंता यही करने की जरूरत है, क्या वही गलती जो मीर जाफर ने की 1757 में हम दोहराएंगे, क्या वही गलती जो हमारे हजारों हिंदुस्तानियों ने की कि रॉबर्ट क्लाइव का जुलूस तो देखते रहे, उस पर पत्थर उठाकर हमने नहीं मारा, वही गलती हम फिर दोहराएंगे अब आजादी के 62 साल के बाद, और इसी पर भारत का भविष्य तय होगा। अगर हम वही गलती करेंगे जो मीर जाफर से हो गई, जो उन हजारों भारतवासियों से हो गई जिन्होंने अंग्रेजों के जुलूस पर तालियां तो बजाई पत्थर नहीं फेंका, वही गलती अगर हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी और हमारा नाम भी मीर जाफरों की श्रेणी में लिया जाएगा, हमारा नाम भी इस देश के उन गद्दारों की श्रेणियों में लिया जाएगा जिन्होंने गुलाम बनाया। और अगर ये गलती करने से हम बच गए और हमने वही सत्कर्म किया जो स्वर्गीय मदनलाल भींगरा ने किया, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने किया, अशफाक उल्ला, अजीमुल्ला ने किया, अगर वही सत्कर्म हम कर गए
तो आने वाली पीढ़ियां हमको भी वैसे ही याद करेंगी जैसे आज हम मदनलाल धींगरा को याद कर रहे हैं, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर को याद कर रहे हैं। हमारे सामने रास्ता खुला है, हम चाहें उस रास्ते पर चल पड़े। अगर चल पड़े देश की आजादी को बचाने के रास्ते पर, स्वराज्य लाने के रास्ते पर, स्वतंत्रता लाने के रास्ते पर, तो शायद ईश्वर भी सहयोग करेगा, वो भी हमारे लिए सद्भाव अपने मन में रखेगा। और नहीं चल पड़े तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि इतिहास बहुत क्रूर होता है, बहुत निर्मम होता है, वो विश्लेषण बिल्कुल पाक साफ करता है। इतिहास में भावना नहीं होती है, तथ्य होते हैं। इतिहास भावना से नहीं चलता, सत्य से चलता है। तो ये तथ्य और सत्य भी दर्ज किया जाएगा आने वाले समय में। तो मैं तो आप सबको ये दावत देने आया हूं, निमंत्रण देने आया हूं। दो रास्ते हमारे सामने खुले हुए हैं, एक शहीदों का बताया हुआ, महापुरुषों का बताया हुआ, और दूसरा हमारे गद्दारों का दिखाया हुआ। गद्दारों वाले रास्ते पे चलें आपकी मर्जी है, शहीदों वाले रास्ते पर चलें आपकी मर्जी है। भगवान आपको दोनों ही तरह के काम करने के लिए आपको इस देश में भेज दिया है, समाज में भेज दिया है, निमित्त आपको बना दिया। मैं कम से कम मानता हूं कि आप सब लोग शहीदों के, महापुरुषों वाले रास्ते पे ही चलने वाले हैं, वरना इस कार्यक्रम में आप क्यों आते, ये तो स्पष्ट। विवेक भाई ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, उनके सहयोगियों ने किया, और ये सर्व हितकारी मंच की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हुआ, और आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए तो ये तो पक्का है कि आपके दिल में शहीदों के प्रति सम्मान है, सद्भावना है, और कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में सुप्त ही सही एक इच्छा है कि हम भी कुछ ऐसा कर गुजरें जो हमारे शहीदों ने कभी कर दिया। ये है इसलिए आप आए हैं। तो इसलिए यही बात अभी कहूंगा मैं आपसे। अब करना क्या है, शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, मोटी सी सीधी सी बात है। अंग्रेजों ने भारत को लूटमार करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो कुछ किया है वो सब हटाना है, हमें खत्म कर देना है, जलाकर फेंक देना। जैसे मैं पहले कह रहा था ना, अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए आपको बर्बाद करने के लिए। एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, उस कानून में व्यवस्था क्या की कि भारत में कोई भी क्रांतिकारी अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ कुछ भी करे उसको मारो, उसको पीटो, डंडों से मारो, डंडे से पीटो, गोली से मारो, खत्म कर दो, उसके घर वालों के ऊपर विपत्तियां डालो, उसकी संपत्ति लूट लो। पुलिस को सारे अधिकार हैं बेरोक टोक, और भारतवासी को कोई अधिकार नहीं अपनी रक्षा का, अपनी सुरक्षा का। ये कानून था इंडियन पुलिस एक्ट। इसको अगर एक वाक्य में मैं कहूं अंग्रेजों की भाषा में, तो इंडियन पुलिस एक्ट में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, लेकिन किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। पुलिस वाला चाहे उतने अत्याचार आपके ऊपर कर सकता है, आप उस अत्याचार को रोकने के लिए पुलिस वाले का डंडा भी नहीं पकड़ सकते। अगर कोई पुलिस वाला आपको डंडे से मार रहा है और आपने डंडा उसका पकड़ लिया, तो मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा, एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज होगा कि उस पुलिस वाले को आपने ड्यूटी करने से रोका। पुलिस वाले की ड्यूटी है आपको डंडे से मारे, मार मार कर आपकी हड्डियां तोड़ दे, लहूलुहान कर दे। और ये पुलिस वाले को ड्यूटी किसने दी? इंडियन पुलिस एक्ट ने। और ये कानून किसने बनाया? अंग्रेजों की संसद ने। कब? 1860 में। क्यों? क्योंकि 1857 में बगावत हो गई थी और अंग्रेज पुलिस वालों का भारतवासियों ने कत्लेआम कर दिया था, तो कोई भारतवासी अंग्रेज पुलिस वाले को कुछ ना कर सके, इसके लिए ये कानून बना था। अब 1860 में ये कानून बना, इसके दुष्परिणाम भयंकर हुए। अंग्रेजों की पुलिस ने लाठियां जो चलाना शुरू किया इस कानून बनने के बाद, उसमें सैकड़ों हजारों क्रांतिवीरों की इस देश में शहादत हुई। एक का नाम बताना चाहूंगा, लाला लाजपत राय। आप जानते हैं इसी पुलिस कानून के चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय और उनके सहयोगियों ने अंग्रेजी कानून का विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला था लाहौर में। कानून था रॉलेट एक्ट, और उस कानून में भारत के सभी नागरिकों के प्राथमिक अधिकार, वैयक्तिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए थे। तो उसका विरोध करने के लिए जुलूस निकाला। उस जुलूस पर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने लाठियां बरसाई थी, और सैंडर्स की लाठियां लाला लाजपत राय के सिर पर इतनी गहरी लगी थी कि लाला जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई थी। तब शहीद आजम भगत सिंह ने कसम खाई थी कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, माने लाला लाजपत राय की हत्या करने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को
कड़ा दंड नहीं दिया गया तो हम मानेंगे हमें न्याय नहीं मिला, और वो न्याय फिर हम अपने हाथ में लेंगे और सैंडर्स को उसकी गति तक पहुंचाएंगे। अंग्रेज सरकार ने सैंडर्स का कुछ नहीं किया, तब भगत सिंह को और उनके सहयोगियों को योजना बनाकर सैंडर्स का वध करना पड़ा, गोली मारनी पड़ी, और उस गोली मारने के जुर्म में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। तो भगत सिंह ने कहा था कि ये सजा मुझे मंजूर है, क्योंकि लालाजी पर पड़ी एक एक लाठी का बदला लेने के लिए मैंने ये काम किया था, मेरे व्यक्तिगत किसी सुख सुविधा के लिए ये काम मैंने नहीं किया था। मुझे दुख और अफसोस है कि जिस अंग्रेजी पुलिस कानून के चलते लाला लाजपत राय पर लाठियां पड़ी और उनकी मृत्यु हुई, वही अंग्रेजी पुलिस कानून इस देश में आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है, वही इंडियन पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। अंतर इतना ही है कि पहले गोरे अंग्रेज लाठियां बरसाते थे, अब काले अंग्रेज लाठियां बरसा रहे हैं। लाठियां तो अभी भी इस देश के नागरिकों पर बरस रही हैं, कानून तो अभी भी वही चल रहा है। कभी कभी बहुत दुख होता है मन में कि अंग्रेजों की पुलिस और काले अंग्रेजों की पुलिस, आजादी के बाद की पुलिस को मैं काले अंग्रेजों की पुलिस कहता हूं, काले अंग्रेजों की पुलिस कई बार गोरे अंग्रेजों से भी 10 कदम आगे निकल के लाठी चार्ज करती है। एक दिन अचानक से अखबार में पढ़ना पड़ता है कि दिल्ली में अंधे लोगों ने अपनी कुछ मांगों के लिए सरकार के सामने कोई प्रदर्शन किया तो काले अंग्रेजों की पुलिस ने अंधों के ऊपर लाठी चार्ज किया। जो लाठी की मार से बचकर भाग भी नहीं सकते उनके ऊपर काले अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज करती। एक दिन अखबार में खबर पढ़नी पड़ती है और टीवी चैनलों पर देखना पड़ता है अपनी आंखों से कि हमारे देश के लूले लंगड़े विकलांग लोगों ने अपनी कुछ मांगों के लिए सरकार के सामने प्रदर्शन किया और काले अंग्रेजों की पुलिस ने उन विकलांगों पर लाठी चार्ज किया। एक दिन हमें खबर मिलती है और अखबार में हम पढ़ते हैं, टीवी चैनलों पर देखते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के 62 साल के बाद हर किसान के खेत को हम पानी नहीं दे पाए। हिंदुस्तान की कुल खेती योग्य जमीन 14 करोड़ हेक्टेयर है, पानी सिर्फ 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपलब्ध है, 9 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती भगवान की कृपा से, बारिश की कृपा से होती है, और जब कभी बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए तो 9 करोड़ हेक्टेयर की खेती करने वाले किसान भुखमरी की हालत में पहुंच जाते हैं। वो भुखमरी की हालत में पहुंचे हुए किसान जब अपने खेत के लिए पानी मांगने का कोई आंदोलन करते हैं तो काले अंग्रेजों की पुलिस उन पर गोलियां चलाती है और किसानों को वैसे ही मर जाना पड़ता है जैसे शहीदों को अंग्रेजों की पुलिस के सामने मर जाना पड़ता था। आप सब अगर नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे, समाचार पढ़ते होंगे, तो आपको थोड़े दिन पहले याद होगा राजस्थान में किसानों ने अपने खेत में पानी की मांग के लिए एक काली अंग्रेज सरकार के सामने प्रदर्शन किया। दुख और दुर्भाग्य है कि वो काली अंग्रेजों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने किसानों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया। 17 किसानों की तुरंत मौत हुई और उस गोली चलाने का आदेश देने वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को अब राजस्थान के किसानों ने ऐसा सबक सिखाया कि राजस्थान से बीजेपी का पत्ता साफ हो गया। लेकिन मुझे जो कहना है वो ये कि सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, जनता दल की हो या सीपीएम की, सीपीआई की हो या मार्क्सवादी सीपीआई की, सिंगूर में आप जानते हैं सीपीआई और सीपीएम की सरकार ने किसानों के ऊपर जो गोलीबार किया, 21 किसान उसमें मर गए। क्या अपराध था उन किसानों का? अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने खेत बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आजादी के 62 साल में अपनी जमीन बचाना, अपना खेत बचाना अगर हमारा अधिकार नहीं बनता तो 62 साल की इस आजादी का क्या करें? आजादी सिर्फ तिरंगा झंडा फहराने का नाम नहीं होती है और आजादी सिर्फ जनगणमन गाने का नाम नहीं होती है, आजादी सिर्फ 15 अगस्त मनाने का नाम नहीं होती है, आजादी उससे ज्यादा बड़ी और गहरी कोई चीज होती है। मुझे अपने आप से ये सवाल पूछने के लिए तकलीफ होती है कि अगर अंग्रेजों के जमाने में हमारे किसान अपने खेत बचाने की लड़ाई लड़ते थे और एक अंग्रेज सरकार जिसका नाम था डलहौजी, जिसने एक कानून बनाया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को अधिग्रहण करने का कानून, उस कानून की ताकत पर अगर डलहौजी लाखों किसानों की जमीनें छीनता था और वो किसान संघर्ष करते थे और उस समय हमारे शहीदों का सपना ये था कि कल को ये डलहौजी चला जाएगा,
आजादी आ जाएगी, फिर नई सरकार बनेगी, भारतवासियों की सरकार बनेगी और डलहौजी का बनाया काला कानून इस देश से खत्म हो जाएगा। अब उन क्रांतिकारियों की आत्मा को हम क्या जवाब दें कि डलहौजी तो मर गया, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट इस देश में आज भी चल रहा है और हजारों किसानों की लाखों एकड़ जमीन को निगल रहा है। और वो किसान अपनी जमीन बचाने के लिए अगर संघर्ष पर उतरते हैं तो काले अंग्रेजों की पुलिस गोलियां चलाकर उनको मार डालती है। आजादी में और गुलामी में अंतर क्या रह गया? मुझे तो यही दिखाई देता है कि ये बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, मार्क्सवादी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब सत्ता व्यवस्था के खेल में लड़ने वाली पार्टियों के चेहरे सब एक ही हैं, चरित्र भी सब एक ही हैं, नाम बस अलग अलग है। और आपको और मुझको मूर्ख बनाने के लिए घोषणा पत्र का कवर का रंग अलग अलग है, अंदर सब कुछ एक ही लिखा हुआ है और अंदर सब एक ही तरीके से काम करते। इसलिए दिल में दर्द होता है, ये कहते हुए मुझे खुशी नहीं होती कि ये काले अंग्रेजों की सरकारें हैं, ये दर्द का भाव है जो आजादी के 62 साल के बाद कहना पड़ता है कि गोरे अंग्रेजों की सरकारें, काले अंग्रेजों की सरकारें लगभग एक ही जैसी हैं। पुलिस का कानून वही है, जमीन छीनने का कानून वही है, कलेक्टर होने का कानून वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था। एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, उसमें कलेक्टर नाम का एक अधिकारी तय कर दिया। वो अधिकारी का काम था कि किसानों से लगान वसूल करना, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से टैक्स इकट्ठा करना, अंग्रेजों की सरकार को जमा करना। कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर होता था, टैक्स कलेक्शन के लिए कलेक्टर होता था। तो जिस आधार पर कलेक्टर नियुक्त किया जाता था, जो कानून उसके लिए बनाया जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो कानून तो आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है। बस अंतर इतना ही है कि पहले उसमें इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट होता था, अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो गया है। कलेक्टर नाम की पोस्ट जो अंग्रेजों के जमाने में थी वो आजादी के 62 साल के बाद भी है। कहीं कहीं उसका नाम बदल गया है, कहीं उसे डिप्टी कमिश्नर कह देते हैं, कहीं उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह देते हैं, लेकिन अधिकार उसके सब वही हैं जो अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर के हुआ करते थे। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया हिंदुस्तान में न्याय देने के लिए, दुर्भाग्य से वो कानून सिद्ध हुआ अन्याय करने वाला, उसका नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। एक बना दिया उसका नाम है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक बना दिया उसका नाम है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ये तीनों कानून की ड्राफ्टिंग करने वाला एक अंग्रेज था जिसका नाम था टीवी मैकॉले, जिसने भारतीय शिक्षण पद्धति का नाश करके अंग्रेजी शिक्षा इस देश में लागू कराई। मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर एक दिन भाषण दिया था। 2 फरवरी 1835 को मैकॉले ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दे रहा है और क्या कह रहा है, वो कह रहा है I have seen length and breadth of this country, India. मैंने भारत का उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सारा कुछ देखा है। And I have never seen a beggar in this country, India. मैंने आज तक अपने जीवन में एक भी भिखारी नहीं देखा है जो भारत की सड़क पर भीख मांगता हो। फिर आगे कहता है I have never seen a unemployed youth इन दिस कंट्री इंडिया, मैंने एक भी बेरोजगार नौजवान इस भारत में नहीं देखा है। फिर आगे कहता है सच वेल्थ एंड हाई मॉरल वैल्यूज आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट वी कैन नॉट कॉन्क्वर दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है कि इस भारत में इतनी संपत्ति है, इतना धन है, इतना पैसा है और लोगों की मॉरल वैल्यू माने नैतिक शक्ति इतनी ऊंची है कि इस भारत को हम कभी भी जिंदगी में गुलाम नहीं बना सकते। फिर अंत में कहता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक माने तब तक, जब तक कि हम भारत के लोगों की रीढ़ की हड्डी ना तोड़ दें। जब उसने ये शब्द इस्तेमाल किया रीढ़ की हड्डी ना तोड़ दें, तो कुछ एमपीज खड़े हो गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में और उसको पूछने लगे क्या मतलब है रीढ़ की हड्डी तोड़ने से। तो वो कहता है भारत के रीढ़ की हड्डी है कुछ चीजें, जब तक हम इनको नहीं तोड़ेंगे भारतवासी गुलाम नहीं होंगे। तो पहली रीढ़ की हड्डी क्या है, वो कहता है भारत की शिक्षा व्यवस्था। ये शिक्षा व्यवस्था भारत में इतनी मजबूत है कि भारतवासी गुलाम ही नहीं हो सकते किसी के, तो भारतीय शिक्षा को खत्म करना पड़ेगा। दूसरी रीढ़ की हड्डी है भारत की अर्थव्यवस्था। फिर तीसरी रीढ़ की हड्डी है भारत की न्याय व्यवस्था। चौथी रीढ़ की हड्डी है भारत की चिकित्सा व्यवस्था। पांचवी रीढ़ की हड्डी है भारत की सामाजिक परंपराएं और मान्यताएं। छठवीं रीढ़ की हड्डी है भारत की संस्कृति और सभ्यता। और वो 6 रीढ़ की हड्डी गिनाता है और कहता है इनको एक एक करके हम जब तोड़ेंगे तभी भारत गुलाम बनेगा।
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकॉले को पूछता है कैसे तोड़ोगे, तो उसने कहा बहुत आसान है, भारत की ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ये कुछ आधार पर चल रही हैं, इन आधार को खत्म कर दो भारत की रीढ़ की हड्डियां टूट जाएंगी। तो उसको पूछा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि आखिर आधार क्या है, तो वो कहता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है और जो कृषि व्यवस्था है उसका आधार गाय है। तो अंग्रेजों की समझ में नहीं आई ये बात। फिर पूछा उसको ये गाय क्या होता है, तो मैकॉले डिस्क्राइब कर रहा है कि गाय क्या होता है, गाय क्या होती है, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन करता है, 3.5 घंटे बताता है गाय क्या होती है, गाय क्या देती है, उससे भारत में क्या होता है, उसका गोबर है, उसका मूत्र है, उसका दूध है, वगैरह वगैरह, और इससे भारत की सारे सिस्टम की व्यवस्थाओं को चलाने में मदद मिलती है। जब वो डिटेल डिस्क्राइब करता तब अंग्रेजों के समझ में आता, अच्छा गाय इतनी महत्वपूर्ण है तो गाय को ही कटवाना शुरू करो भारत में। तो वो कहता है इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, तो अंग्रेज सरकार कहती है कानून बनाओ और लागू करो और भारत की गाय काटना शुरू करो। तो अंग्रेजों ने कानून बना दिया इस देश में, और रॉबर्ट क्लाइव के सॉरी मैकॉले के कहने पर इस देश में गाय के कत्ल का जो कानून बना वो आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है। बस अंतर इतना था कि अंग्रेजों के जमाने में जब गाय कटती थी, जब अंग्रेजों का पूरा शासन इस देश में स्थापित हो गया था, तब वो एक दिन में 30,000 गाय काटते थे और उनके 350 कतल खाने चलते थे। अब आजादी के 62 साल के बाद इस देश में 36,000 कतल खाने चलते हैं और साल की 4.5 करोड़ गाय कट जाती है। हम आजादी मनाते हैं, 15 अगस्त गाते हैं, स्वतंत्रता का जयकारा लगाते हैं, भारत माता का भी जयकारा लगाते हैं, लेकिन भारत माता का प्राण गाय हर दिन कटती है, सिसकती है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की भीख के लिए। 4.5 करोड़ गाय जिस देश में हर साल कटती हो, हजारों लाखों गाय के बछड़े इस देश में कटते हो, नंदी कटते हो, बैल कटते हो, उनका मांस बाजार में बिकता हो, उसका एक्सपोर्ट किया जाता हो, उससे विदेशी मुद्रा कमाई जाती हो, और हम ये गाना गाएं कि भारत में आजादी मनाओ, स्वतंत्रता मनाओ, 15 अगस्त मनाओ, ये तो झूठ है, पाखंड है। क्योंकि हम इस बात को नहीं भूल सकते कि इस देश की आजादी की कहानी जिन्होंने अपने खून से लिखी है उनमें से आदि क्रांतिवीर मंगल पांडे ने गाय को बचाने के लिए अपना बलिदान किया था, आजादी तो उसमें जुड़ गई थी। आपको मालूम है 1857 की आजादी की क्रांति जो मेरठ में 10 मई से शुरू हुई थी वो बैरकपुर बंगाल की छावनी में तो 28 अप्रैल से ही शुरू हो गई थी, जब मंगल पांडे ने गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था और एक अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिया था, तो मंगल पांडे ने उस अंग्रेज अधिकारी को गोली से मार दिया था, मेजर ह्यूसन को, और उसके बाद दूसरे अधिकारी को मार दिया था, फिर मंगल पांडे को फांसी हुई थी। तो फांसी पर लटकाए जाने के वक्त मंगल पांडे के मुंह से जो आखिरी शब्द निकले थे वो यही थे, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, अंग्रेजों का नाश हो, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था का खात्मा हो, क्योंकि गाय काटते हैं अंग्रेज। तो गाय काटने के सवाल से शुरू हुआ था इस देश की आजादी का संघर्ष। अब आजादी के 62 साल की कितने दिन ढोएंगे, अपने ही अंदर किसी मंगल पांडे को क्यों नहीं खोजते, अपने ही अंदर श्री कृष्ण को क्यों नहीं खोजते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको, आजादी आई है टूटी फूटी आधी अधूरी लूली लंगड़ी, ये पूरी नहीं है, ये पूरी तब होगी जब शहीदों का एक एक सपना पूरा होगा। अगर मंगल पांडे का सपना था कि गाय की रक्षा हो तो आजादी के 62 साल बाद होनी ही चाहिए, नहीं तो मंगल पांडे की फांसी अधूरी है, शहादत अधूरी है। अगर लाला लाजपत राय और अमर शहीद भगत सिंह का सपना था कि अंग्रेजी पुलिस के बर्बरता का कानून खत्म होना ही चाहिए तो आजादी के 62 साल बाद वो कानून खत्म हो ही जाना चाहिए, भले ही उसके स्थान पर हमें कोई नया कानून बनाना पड़े, नहीं तो भगत सिंह की शहादत अधूरी है, लाला लाजपत राय की शहादत अधूरी। अगर भारत के लाखों करोड़ों किसानों का सपना था कि अंग्रेजों के बर्बरता का कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण का कानून खत्म होना ही चाहिए तो आजादी के 62 साल के बाद ये कानून खत्म होना ही चाहिए, क्यों चलना चाहिए।
इसलिए पहला बिंदु जो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं वो ये कि आजादी पूरी तब होगी, स्वतंत्रता पूरी तब होगी, स्वराज्य पूरा तब होगा जब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हम इस देश से खत्म करेंगे, जरूरत पड़ने पर उन कानून की किताबों को आग लगाएंगे, चौराहे चौराहे पर जलाएंगे, तब जाकर हम मानेंगे कि हमारे शहीदों का एक सपना पूरा होगा।